और ये थी खिवा की ओल्ड सिटी जहाँ पर हमने कल विज़िट किया था, कल दिखाया था मैंने आपको। और वही यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक दिन रुके हैं और आज निकल रहे हैं वापस से, और टैक्सी ले रहे हैं। आ गई हमारी टैक्सी, तो इसके लिए हम लोग पे कर रहे हैं $70 तीनों मिलके। तो पहले ट्रेन से जाने का सोच रहे थे लेकिन ट्रेन से जा नहीं रहे क्योंकि वही यार ट्रेन महंगी पड़ रही है और टाइम भी काफ़ी लग जाता है, करीब 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब बैग वैग रख देते हैं टैक्सी के अंदर और बाकी चीज़ें तो आप नवांकुर भाई की वीडियो में देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। लेकिन वही एक चीज़ सही हो रही है कि मैं इनको ज्वाइन कर लिया मैंने, और ये एरिया में मैं आने नहीं वाला था। मैं सोचा था कि मैं बुखारा से सीधा ताशकंद चले जाता हूँ, लेकिन फिर ये लोग मिल गए उसकी वजह से मैंने थोड़े बहुत अपने प्लान चेंज कर लिए। और बस इधर एक दिन ही थे हम लोग, अब निकल रहे हैं यहाँ से। बैग वैग पैक कर लिए हैं, बैग बाहर ले आए हैं, अब बस बैग रखना है और निकलना है। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा भाई, 5-6 घंटे लगेंगे मेरे ख्याल से। तो ये था हमारा हॉस्टल गेस्ट हाउस, और अभी ब्रेकफास्ट किया भाई, बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट देते हैं ये लोग, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पर। तो वीडियो तो नहीं बनाया मैंने ब्रेकफास्ट का, लेकिन आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक अभी आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। सो बस अभी खिवा में सिर्फ एक दिन थे, वही बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं सोचा था यहाँ पर रहूँगा 2 दिन, लेकिन अब इनका प्लान है जिस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं RLC की तरफ, और वहाँ पर थोड़ा बहुत एडवेंचर हो सकता है। सो देखते कैसा रहता है भाई, काफ़ी अलग चीज़ है वो, क्योंकि मेरे ख्याल से वो पहले एक पूरा सी हुआ करता था, नाम अभी भी RLC है लेकिन अब वो सी रहा नहीं है। और एक चीज़, हाँ, ये लोग के यहाँ जो पानी आता है वो पूरा का पूरा सॉल्टी पानी रहता है। तो नवांकुर भाई ने, इन्होंने तो बॉटल ली थी पानी की, लेकिन मैं पानी पी रहा था इनके किचन में से रिफ़िल करके। तो मैं देख रहा था भाई बिल्कुल थोड़ी सी स्मेल आती है उसमें से, क्योंकि वो फ़िल्टर नहीं हुआ रहता है और सॉल्टी वाटर रहता है, लेकिन ये लोग वही पीते हैं। और अगर आप वॉशरूम में भी देखोगे तो वॉशरूम में पानी में हल्की सी स्मेल आएगी, मेरे ख्याल से वही सॉल्टी होने की वजह से उसकी में स्मेल आती है। पर आज मौसम अच्छा है, बादल बादल हैं आज, तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, वरना अभी बिल्कुल पिछले 15 दिन से मैं देख रहा हूँ 9-10 बजे बिल्कुल बहुत ज़्यादा धूप हो जाती थी। अभी भी धूप तो है लेकिन बादल होने की वजह से थोड़ा बहुत सही लग रहा है यहाँ पर। और भाई हॉस्टल वालों का कुछ ज़्यादा ही अच्छा ब्रेकफास्ट था, अच्छा खासा बिजनेस है इनका, ये छोटी सी दुकान है इनकी, यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे। इधर से आपको और कुछ चाहिए तो ले सकते हो, रेस्टोरेंट भी एकदम पास में ही है, और बिल्कुल पास में ही है खिवा की ओल्ड सिटी। सो रिकमेंड कर सकते हैं इस वाले गेस्ट हाउस को, अलीबेग गेस्ट हाउस है इसका नाम। तो बस अब बैग रख देते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ। हमारे टैक्सी वाले ने एकदम से गाड़ी रोकी भाई, और मैंने कहा जनाजा, तो कहता हाँ वहाँ जा रहा हूँ मैं। तो भाई देखो आप, आ गया टैक्सी, आ गए भाई अपने टैक्सी वाले, ये थोड़ा हाथ लगा के आ गए। ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਾਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। Let's go.
यहाँ लग रहा है साउथ इंडियन मूवी की शूटिंग हुई है तो बवंडर उठा दिया किसी चीज़। तो भाई बिल्कुल रेड डेजर्ट दे विच दी जा रहे हैं आपां ते ब्लैक डेजर्ट आ जिहड़ा तुर्कमेनिस्तान पैंदा ते रेड डेजर्ट नूं कहिंदे आ। देखण नूं पता नहीं रेड जिहा लग रिहा, बरोड़ा सीगा पिछे बहुत खतरनाक। तो भाई बढ़िया नींद हो गई अपनी कार में, उसके बाद अभी आए हैं यहाँ पर, गाड़ी रोकी भाई ने, हमने बोला कि थोड़ा बहुत नाश्ता करना है तो इसने यहीं पर गाड़ी रोक दी। यार कोनिंग रात में अभी पहुँचे हम लोग, अभी 100 किलोमीटर और बाकी है म्यूनिख। तो आ गए भाई अंदर ये रेस्टोरेंट के, कैफे के, कैफे बोलते हैं इतने बड़े रेस्टोरेंट को भी लोग। और ये इनका मेनू कार्ड, वही जो मैंने सोचा था कि 25,000 का देंगे, ये 23,000 का है। यहाँ पर फ्लो स्पाइसी थोड़ी बहुत दर्शन पढ़ लेता हूँ। हाँ ओके तो इनको स्पाइसी का बोला तो भाई ये चिली सॉस दिखा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे सब लोगों ने मास्क लगा रखा है, पहली बार यहाँ पर हमारे ऊपर किसी ने सैनिटाइजर डाला है। और ब्रेड टी नहीं, वाटर पता नहीं भाई। सब लोग यहाँ पर चाय पीते तो सबसे पहले चाय पूछते हैं, पानी बाद में पूछते हैं, यहाँ जनरली देखा है मैंने। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी। सामने तुम देखा पूरा मतलब मिट्टी मिट्टी उठ गई है, इन्नी तेज हवा आ गई है, तूफान आ गया जिदा कह लो मिट्टी का कुछ देश भी है। वही हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं म्यूनिख में, म्यूनिख जो भी है ये सिटी का नाम। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया था भाई आते से, हमारा ड्राइवर भी हमको इसी गेस्ट हाउस में लेके आने वाला था, हमने booking.com पर भी यही वाला गेस्ट हाउस बुक किया था और बिल्कुल अभी मतलब 5 मिनट पहले ही बुक किया क्योंकि हमने देख लिया था पहले, लेकिन उसमें भी काफ़ी गड़बड़ थी भाई। booking.com पर दिखा रहा था कि $16 में 3 लोग रुक सकते हो यहाँ पर, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए उन्होंने बोला नहीं नहीं यार $10 पर पर्सन है यहाँ का और विद ब्रेकफास्ट है, लेकिन $10 है। और पता नहीं इन्होंने booking.com पर क्या लफड़ा कर रखा है भाई, $16 में ये दिखा रहा है कि आप कितने भी लोग रुक सकते हो, सिर्फ $16 देना पड़ेगा। क्योंकि हमने 1% सिलेक्ट करके देखा, फिर 2 किया, फिर 3 किया, लेकिन प्राइस चेंज नहीं हुई। तो हमको लगा भाई हो सकता है Airbnb होगा इस वजह से प्राइस चेंज नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उनको सेट करते नहीं आया वो अमाउंट, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन गेस्ट हाउस अच्छा है अभी तक तो ठीक लग रहा है, हमारा एक पूरा रूम मिला है उसके अंदर 4-5 बेड है, उसके अलावा बस हम लोग फिर $25 दे रहे हैं। हमने बोला भाई $30 तो नहीं देंगे, $25 दे देंगे विद ब्रेकफास्ट। और हमारा एक और फ्रेंड आने वाला है, ऐसा बोल बोल के उनको थोड़ा बहुत कन्विंस कर लिया हमने। तो अब फाइनली भाई म्यूनिख पहुंच गए, हमारे ड्राइवर को बोल दिया कि आप चले जाओ वापस, हम तो नहीं आ रहे कहीं वापस, यहीं पर रुकेंगे 2 दिन और उसके बाद देखते हैं। अभी RLC जाएंगे आज तो, शायद ये आसपास कहीं जाएंगे बाहर घूमने के लिए, वरना और कुछ करना नहीं है यहाँ पर। पर जगह अच्छी है, पूरा डेजर्ट है, अभी हमने देखा था एक तूफान जैसा बिल्कुल भवंडर हो रहा था, उसके बाद में पूरा एक स्टॉर्म जैसी आ गई थी डस्ट की, रेत की, जो भी था वो, लेकिन पूरा ब्लैकआउट हो गया था भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा था। सामने 2-3 कार आ रही थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था, इंडिकेटर चालू करना पड़ा था और हमको लगा काफ़ी दूर तक होगा, लेकिन बिल्कुल 1-2 मिनट का था वो। पर बहुत रोड के बहुत पीछे थे हम लोग तब से वो दिख रहा था, लेकिन जैसे पास में आया तो पता पड़ा कि भाई कितना ठीक है वो। बस यही है भाई इधर इस जगह का मज़ा यही है। अब यहाँ पे पता नहीं वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी कैसी है, लेकिन रूम तो अच्छा है, रूम के अंदर AC है जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और एक चीज़ भाई, यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 30 या 35 के बीच में ही अभी टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं बाहर खड़े होके और बिना चप्पल के यहाँ पर खड़ा हुआ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वरना ये ताशकंद में, खीवा में, बुखारा में कहीं पर भी खड़े नहीं हो पा रहा था, और अभी ये
हवा चल रही है तो थोड़ी धूल जा रही है भाई आँख में। तो बस यहाँ पर अभी झूला भी है, झूला झूलता हूँ थोड़ी देर, अंदर जाते हैं आराम करते हैं। आज तो और कुछ प्लान नहीं है करने का। और RLC के बारे में तो आपको थोड़ी देर से बताता हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत मुझे भी इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। लेकिन बेसिक मुझे इतना पता है कि वो पहले एक बहुत बड़ा सी हुआ करता था, सही तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ा लेक होता था, लेकिन उसका नाम एक सी RLC था, RLC है बल्कि अभी। और वो सबसे मेरे ख्याल से फोर्थ लार्जेस्ट था दुनिया का। उसके बाद में सोवियत यूनियन ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या कि उनको पानी चाहिए था वहाँ से, तो उन्होंने दो रिवर के अंदर डैम बनाए और उधर पानी को डाइवर्ट किया। सो आज की तारीख में अब उसका सिर्फ 1/10 हिस्सा बचा हुआ है। और वो कैसे हुआ क्या हुआ वो सब आपको RLC वाली पूरी वीडियो में पता पड़ जाएगा जब हम लोग जाएंगे RLC विज़िट करने के लिए। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, ये सब ह्यूमंस ने किया है और पूरे उसकी RLC की वाट लगा के रख दी है। और अब ये पूरा एरिया डेजर्ट हो गया है। अब सोचो वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। सो काफ़ी दुख की बात है भाई, हम लोग ह्यूमंस क्या क्या कर रहे हैं दुनिया को और पूरी वाट लगा के रख दिया यार। मतलब आप सोचो उसके अंदर इतने सारे जीव जंतु थे जो पानी के अंदर थे और अब वो बिल्कुल भी नहीं है। और वो पूरा सॉल्ट वाटर हो गया, इन्होंने पता नहीं क्या किया, पेस्टिसाइड वगैरह जो भी सीन है वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा मैं RLC वाले वीडियो में। लेकिन अभी हम लोग जाएंगे अंदर, पर यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है, थोड़ी बहुत ठंडी हवा चल रही है क्योंकि इतने दिन से भाई सिर्फ और सिर्फ लू चल रही थी। बुखारा में हुआ या खीवा में हुआ, ताशकंद में हुआ या समरकंद में हुआ, अभी थोड़ा सा यहाँ पर आके टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा है। सो मेरे जो काउच सर्फिंग के होस्ट है ताशकंद में, वो बोल रहे थे कि हो सकता है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर टेम्परेचर ठीक ठाक है, इस वजह से यहाँ पर हमको तो अभी अच्छा लग रहा है। तो बताता हूँ बाद में जो भी होता है वो सब आपको अपडेट दे ही देंगे हम लोग।